कोरोना महामारी के दौर में सभी को इसकी वैक्सीन का इंतजार है। नीति आयोग से जुड़े डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को बताया कि देश में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षण में है। सीरम समेत 5 और वैक्सीन है जिनका परीक्षण किया जा रहा है। इनमें से 2 वैक्सीन तीसरे चरण में पहुंच चुकी है। पॉल ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम कोरोना के 5 टीकों के साथ सफल होंगे। उन्होंने कहा कि यह बहुत आसान है कि हमारे पास स्वदेशी वैक्सीन के खुराक भी उपलब्ध बहुत अधिक है। यह अमेरिका की कोरोना वैक्सीन फाइजर की कमी को पूरा करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आवश्यक खुराक की संख्या में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में हम सक्षम होंगे। पॉल ने कहा कि सरकार फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीनों की प्रगति भी देख रही है। केंद्र सरकार ने बताया कि अब दिल्ली में 3500 ICU बेड उपलब्ध है। अगले कुछ दिनों में इसे बढ़ाकर 6000 ICU बेड कर दिए जाएंगे। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे अन्य सेंसिटिव क्षेत्रों में भी किया जाएगा। डॉक्टर पॉल ने बताया कि इस सर्वे में कुल 7 से 8 हजार लोगों की टीम इस पर लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर केंद्र सरकार ने तत्काल कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। ICU के बेड में वृद्धि की गई है। प्रतिदिन कोरोना की जांच भी बढ़ा दी गई है जो कि 1 से 1.2 लाख तक है। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए संदिग्ध मरीजों को क्वारंटीन किया जा रहा है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।